हेलो दोस्तों, वो स्वागत है बैटल अरीना में। क्या होगा अगर ये दोनों आपस में लड़े, इसकी क्या होगी वीकनेस, ये दोनों आपस में भिड़े इसकी क्या होगी एडवांटेज, कौन होगा अलग अलग फॉर्मेट का विनर, जानने के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो। करते हैं आयरन मैन से। टोनी स्टार जितनी अच्छी तरह वेपन को डिजाइन कर सकता है उतनी ही अच्छी तरह उन वेपन का यूज भी कर सकता है। एग्जांपल आयरन मैन मिराज, टोनी स्टार ने मार्क पर बनाया जिसके बाद टेरिस को ग्रुप की ऐसी लगा दी, वो भी बिना ट्रायल के ही। टोनी स्टार ने आर्टर लिमिटेड सोर्सेज से एक गुफा में बनाया, जबकि एक पूरी टीम हाईटेक लैब में भी नहीं बना सकी। जब आर्टर टोनी स्टार की जान लेने लगा तो टोनी स्टार ने नए एलिमेंट की खोज की। ये अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है, फटके हाथ में आ जाती है। टोनी स्टार ने अपनी हेल्प के लिए एआई बनाया। एआई आयरन मैन के सूट को कंट्रोल करता है, ड्रोन की पूरी एक आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता है। एआई ने सीरियल हैरी कैरी को हैक कर लिया, जो अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है। टोनी स्टार्क ने टाइम जीपीएस बनाया, जो कि पहले ही उसने कहा था ये नामुमकिन है। वेपन्स की बात करें तो आयरन मैन सूट में इतने वेपन है लगभग इतना नामुमकिन है। कुछ बेसिक वेपन जो मूवी में दिखाई दिए, रिपल्सर, यूनिवीम, लेजर, स्मार्ट मिसाइल, लिम थियर, एनर्जी बोल्ट, मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर, रॉयल बीम, मल्टीपल बीम। यह वेपन इतने खतरनाक है कि अच्छे अच्छों को ठिकाने लगाया जाता है। आयरन मैन को गोलियों से मिसाइल से नहीं मारा जा सकता। थॉर के हैमर के अटैक से भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। थॉर की बिजली को सह सकता है आयरन मैन सूट। आर और हैरी करियर के नीचे आने के बावजूद बच गए आयरन मैन। आयरन मैन ने इन्फिनिटी स्टोन के हिट को सहा एक बार नहीं दो दो बार। आयरन मैन को रडार पे नहीं देखा जा सकता। इसका एग्जांपल आयरन मैन और मिलिट्री की फाइट में मिला। आयरन मैन लोगी के चैप्टर से भी बच चुका है, जबकि उसमें माइंड स्टोन था। आयरन मैन ने टेरर ग्रुप को मौत घाट उतार दी एक बार नहीं दो दो बार। आयरन मॉन्गर को बॉम्ब से उड़ा दिया। आयरन मॉन्गर आयरन मैन का अपग्रेडेड वर्जन था। वॉर मशीन के साथ मिलकर रोबोटो की एक पूरी आर्मी को मौत के घाट उतार दिया। आयरन मैन के पास पूरी एक आर्मी है जो जार्विस कंट्रोल करता है, जिसकी मदद से पूरे देश को उड़ा सकता है वो। झलक आयरन मैन 3 में मैंने हल्क की पावर काफी हद तक मैच किया और हल्क को धो दिया और थॉर के साथ भी एक अच्छी टक्कर की। आयरन मैन किसी का भी फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर सकता है। झलक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में मिली। स्टार्क ने विंटर सोल्जर से फाइट की बिना आर्मर के। विंटर सोल्जर के एक पंच रख दिया, बिना आर्मर के भी काफी कुछ है वो। आयरन मैन ने थानोस साथ भी काफी अच्छी फाइट की, एक बूंद खून निकाल दिया फाइट के दौरान। एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन ने स्नैप करके थानोस और थानोस की आर्मी को पूरी धूल मिला दिया और न्यूक्लियर मिसाइल को लिफ्ट किया जो पूरे न्यूयॉर्क को तबाह कर सकती थी। थॉर आर्मी के बेस को उड़ा दिया जो पूरे न्यूयॉर्क को तबाह कर सकती थी। अलवीर के पास सभी परियों और रानी परी की पावर है, इसलिए पहले परियों की पावर जान लेते हैं। ज्वाला परी, आपको नाम से ही पता चल चुका हो, ज्वाला जब भड़कती है तो जंगल और घर सभी को जलाकर राख कर देती है। ज्वाला परी के पास आग की शक्ति है, वह आग को कंट्रोल कर सकती है। रानी परी जो आवाज को काबू कर सकती है, जिसकी मदद से किसी के भी कान को फाड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि जान लेना भी काफी आसान है। आप जानते ही होंगे हवा के बिना जीना लगभग नामुमकिन है। परी हवा और ऑक्सीजन को काबू कर सकती है, इसकी मदद से आंधी तूफान लाया जाता है। पानी जितना ज्यादा शीतल होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, सिर्फ उसे अपने बेस पे आने का टाइम मिलना चाहिए, पूरे देश को तबाह कर सकता है पानी। यदि आप शौकीन है मजाक में जान लेने के लिए तो मिलिए मस्ती परी से। उसकी पावर ऐसी पावर है जो आपकी हेल्थ लगा देंगे, कि मजाक में किसी को भी मार सकती हो। सिर्फ परी के बाद डिफरेंट ऑफ पावर है। रानी परी के बाद जो परी सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है बाल परी। कुछ लोग कहेंगे सौर्य तो आलू छीलने को बैठा है। मैं बता दूं, यहाँ परियों की बात हो रही है ना कि सौर्य की। बाल परी पर डिफरेंट ऑफ पावर है। बाल परी अपने बालों की मदद से किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी कैद कर सकती है। समय के साथ साथ बाल परी की पावर बढ़ती रहती है। इन सभी परियों की पावर है बालवीर के पास, इसलिए बालवीर को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बालवीर लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, जब चाहे बाइफ्रॉस्ट को समान कर सकता है। बालवीर के छोटे मोटे हथियार कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ तक कि काला जादू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साला यहाँ पे बिल्ली काट के चली जा रास्ता तो फटके हाथ में आ जाती है। बालवीर को दर्जनों मार्शल आर्ट आती है, बालवीर को ट्रेनिंग रानी परी और सौर ने दी है। वजह से बालवीर से हैंड वन फाइट करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक तिमनासा भी नहीं जीत पाई थी बालवीर से हैंड वन फाइट में। बालवीर का हीलिंग फैक्टर काफी हाई है, इसकी झलक तब मिली। बालवीर अक्रूर से पिटने के बाद काफी जल्दी हील कर जाता है। साला यहाँ पे हम 2 मिनट पिट जाए तो साला 3 महीने ना उठे। बालवीर को तिमनासा काफी अच्छी तरह मारती है, तब भी वो काफी जल्दी ठीक हो जाता है। वेपन्स की बात करें, समय समय पर बालवीर के वेपन्स अपडेट होते रहे हैं। वेपन्स की बात करें, बालवीर के फर्स्ट सीजन में बालवीर के पास जादू डंडा था, जिसमें सभी परियों की पावर थी। बालवीर रिटर्न में बालवीर के पास कोई जादू डंडा नहीं था। बालवीर ने अपने हैमर की अक्रूर को काफी अच्छी टक्कर दी। कुछ टाइम बाद बालवीर में स्वैग आ जाता है, इसके बाद बाइक तलवार टांग कर बन जाते हैं भाई डेडपूल, मारने लगते हैं डेडपूल की तरह छोटे मोटे जोक। कल मैं भी स्वैग मार रहा था, तेरी बाप ने कुत्ती तरह पीटा मुझे। बालवीर से ज्यादा तो बालवीर की परियां अच्छी लगती हैं। में से कौन है विनर, आई बटन वोट कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट पे ज्यादा लाइक आएंगे, अगली बार शॉर्ट आउट दूंगा। एनवीआर टीवी।